आम खाते रहे बीवियां रात भर का। शादी से पहले जब लड़की को देखने के लिए आया, तेरे चेहरे की रंगत जहां मेरी दुनिया बसती वहां। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जिंदगी में ज्ञान बड़ा जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इतना कमाल का ज्ञान देते हैं कि भाई क्या कहा जाए। जैसे आजकल के एक ज्ञानी ने मुझे ज्ञान दिया कि सोशल मीडिया की मोहब्बत और ईयरफोन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मैंने पूछा कैसे, बोले थोड़े टाइम बाद एक तरफ से आवाज आनी बंद हो जाती है। भाई कमाल का ज्ञान है। हमारे मोहल्ले को एक बच्चे को मैंने पूछा ज्ञान, मैंने कहा पूछूं देखूं कितना ज्ञानी है। मैंने कहा भाई छिपकली क्या है, बोले छिपकली एक प्रकार का मगरमच्छ है, बचपन में माँ ने दूध नहीं पिलाया तो कुपोषण का शिकार हो गया। और जब यही बच्चा थोड़ा जवान हुआ तो एक नया ज्ञान लेके आया, और ज्ञान क्या लेके आया कि टूटी हुई खटिया कभी जुड़ नहीं पाती, और पापा की परी का वजन बढ़ जाए तो उड़ नहीं पाती। लेकिन हमारे यहां वो लोग बैठे हैं जिनका ज्ञान अद्भुत है। जैसे सबसे पहले बैठे श्री वेणुगोपाल भट्ट, इनका ज्ञान ताश के पत्तों में इतना कमाल का है। जिंदगी में नियम किसे कहते हैं इनसे सीखिए, इतने नियमबद्ध इंसान है। पिछले 45 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब अगला ताश नहीं खेला हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी हारे नहीं, हमेशा वेणुगोपाल भट्टर जीतते। और जीतते सिर्फ ताश में ही नहीं है, ये जीतते लोगों का दिल भी है। अपने हाथ से कविताओं से जब आएंगे तो आप कहेंगे भाई क्या कमाल की बात है। तालियां बजाते हैं वेणुगोपाल भट्टर जी के लिए। वेणुगोपाल भट्टर जी के इधर इस सोफे के इस कोने में जो बैठे हुए हैं, जो अचानक ठीक हो गए, हाथ बांध रहे हैं इस कोशिश में है कि वो नजर आए, और वो नजर आ रहे हैं। सिर्फ नजर नहीं आ रहे, इन दिनों देश के दिलों पे छा रहे हैं सुंदर मालेगावी। लेकिन आप कहेंगे भाई सुंदर जी का परिचय करा दिया, वेणुगोपाल भट्टर जी का परिचय करा दिया, जो बीच में खूबसूरत सी युवती बैठी है इनका परिचय तो रह गया। लेकिन इन्हें देख के, इन्हें पाके आज लगता है हमारा शो सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, क्योंकि सुंदर मालेगावी मालेगांव से आते हैं, वेणुगोपाल भट्टर हैदराबाद से आते हैं, योजना जैन इस कार्यक्रम में आई है बर्लिन से। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें योजना जैन का। हम योजना जैन का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि इतने दूर वो रहती हैं, इस हिंदुस्तान की माटी से बाहर रहती हैं, लेकिन वहाँ भी हिंदी कविताओं की सेवा कर रही हैं। इनकी दो किताबें आ चुकी हैं और दो किताबें बड़ी कमाल की हैं। योजना हिंदुस्तान की माटी से दूर वहाँ हिंदी कविताएँ लिखती हैं, और आज इस कार्यक्रम के लिए आप बर्लिन से आई हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, आज आपको जी भर के देख लिया, इस सेट पे मौजूद हूँ, तो और क्या चाहिए। वाह क्या बात है योजना जी, आपने ये कह के सिर्फ मेरी नहीं, मेरे कार्यक्रम की, हम सब लोगों की, हम शिमारू टीवी की, सबकी इज्जत बढ़ाई है। हम बढ़ते हैं आगे और हम शुरू करते हैं महफिल उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति जब खड़ा होता है तो ठाके वैसे ही छूट जाते हैं, सुंदर मालेगावी। लोग अपनी बीवियों के लिए, पत्नियों के लिए बहुत कुछ कहते हैं जी। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा जी। आम खाती रही बीवियां रात भर, अच्छा आम खाते रहे बीवियां रात भर, मैं उड़ाता रहा मक्खियां।
आम खाते रहे बीवियां रात भर। मैं उड़ाता रहा, मैं उड़ाता रहा, मैं उड़ाता रहा, मैं उड़ाता रहा, तू उड़ाता रहा मक्खियां रात भर। सालियां साले आए जो कड़की के दिन मैं चुराता रहा मुर्गियां और छटपकती रही अब के बरसात में। हाय 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 हाय। छता टपकती रही, छता छटपकती, एक बार फिर से टपकाओ। छटपकती रही अब के बरसात में, छता टपकती रही, छता टपकती रही, छटपकती। ये जरा ये जुगलबंदी का मामला है तबले के साथ। छत टपकती रही, छत टपकती रही, छत टपकती रही, छत टपकती रही, अरे गिर जाएगी, अब आगे बढ़ो। छत टपकती रहे अब के बरसात में, छत टपकती रही, छत टपकती रहे अब के बरसात, लेके फिरता रहा, लेके फिरता रहा गादियां रात भर। आम खाते रहे बेबियां रात भर। वाह, आपको बजाते आता है? आइए एक मतलब दो तीन शेर सुनाता हूँ मैं। मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, तावेज ले चला हूँ फुकाने के वास्ते, तावेज ले चला हूँ फुकाने के वास्ते, और वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, वापस हुआ तो अपना ही बकरा रहा, वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते, निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते, व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, अच्छा व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के वास्ते, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के वास्ते, सुंदर अड़ा। क्या बात है, वाह वाह। वाह सुंदर, क्या बात है। व्हाइट कहते हुए जो कनखियों से तुमने योजना जैन की ओर देखा था, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुमने बहुत कोशिश तो की थी कि तुम्हें कोई देखते हुए देखे नहीं, लेकिन तुम उसमें कामयाब नहीं हुए। मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रहा हूं जो सामने बैठे। सर क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल जैन। अब सुंदर भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रफुल्ल जैन जो है वो योजना जैन जी के पति हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम स्वागत करते हैं प्रफुल्ल आपका। धन्यवाद। आप बर्लिन में क्या करते हैं प्रफुल्ल? मैं वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। बीवी कविताएं लिखती हैं, थके मांदे घर आते हैं, सुनाती हैं आपको? नहीं नहीं, आजकल तो घर पे ही काम चल रहा है। घर से? तो ये दुख दुगना नहीं हो गया? आदत पड़ गई अब तो। आदत पड़ गई है। कितनी कविताएं सुना देती है रोज? जब जिन चाहे, कोई गिनती नहीं है इस चीज़। गिनती नहीं है? नहीं नहीं। सुनती कितने हैं आप? नहीं, मैंने सुनना सीख लिया है। सुनना सीख लिया। प्रफुल्ल बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हिंदुस्तान आए हैं बर्लिन से और कविताओं के कार्यक्रम में, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग वहाँ बैठ के माँ हिंदी की सेवा कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप दोनों के लिए जोरदार तालियां।
आइए बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं उन्हें जिनके पास बरसों का अनुभव है और अपने अनुभवों का निचोड़ वो बहुत छोटी छोटी कविताओं में करते हैं, अद्भुत दो तीन पंक्तियों में जो कमाल करते हैं और जिस सहज ढंग से कहते हैं, आप कहेंगे भाई भट्टर साहब आप तो कमाल है। वेणुगोपाल भट्टर जी हैदराबाद से हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ। हास्य व्यंग मिश्रित छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। जी भट्टर साहब, घरेलू हास्य से बात शुरू करता हूं। जी। एक लड़का शादी से पहले जब लड़की को देखने के लिए आया तो उसने लड़की से पूछा, आपको गुलाब जामुन बनाना आता है क्या? आपको नाचना गाना आता है क्या? आपको मोटर चलाना आता है क्या? लड़की बोली, भाई साहब। भाई साहब। लड़की बोली, भाई साहब यूं टेढ़े टेढ़े मत जाइए, लाइन से आइए, पहले ये बताइए कि आपको ये सब काम करने के लिए कमाना आता है क्या? वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। साले साहब हमारे घर आए, उन्होंने पूछा, जीजा जी आपने घर में ये बंदर की फोटो क्यों लगाए हैं? मैंने कहा, साले साहब आपको गलतफहमी हुई है, ये बंदर की फोटो नहीं है, आप आईने के सामने आए हैं। हाय हाय, बहुत बढ़िया। बीमारी से कमजोर हो गए, 500 रुपए डॉक्टर की फीस दी। अच्छा। तो बदले में डॉक्टर ने हमको राय दी, बोले कमजोरी है सुबह शाम घूमने जाया करो, फल और मेवा खाया करो। डॉक्टर की फीस देते देते हालत ये है कि फल और मेवा तो डॉक्टर साहब खा रहे हैं और हम सुबह शाम घूमने जा रहे हैं। वाह अच्छे, बहुत बढ़िया भट्टर साहब, वाह वाह वाह। जैसे ही मेरी पहली कविता खत्म हुई कि दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया। अच्छा। जैसे ही मेरी पहली कविता खत्म हुई कि दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया, मैं घबराया। पड़ोस में ही शैलेश जी बैठे थे, मैंने पूछा, शैलेश भैया अब क्या करूं बताइए? वे बोले, भट्टर जी एक जूते का करोगे भी क्या, एक कविता और सुनाइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तो आप भी एक कविता और सुनाइए छोटी सी। जी। एक मेरी बहुत चर्चित कविता है, हे रावण तेरे 10 सिरों में 20 आंखें, कमाल है, जब तू रोता होगा तो वो दृश्य बड़ा अजीब होता होगा, वो सीन बड़ा अजीब होता होगा। रावण बोला, बेवकूफ ऐसा नहीं होता, रावण के राज में जनता रोती है, रावण नहीं रोता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। क्या बात है वेणुगोपाल जी, रावण के 10 सर, मतलब ये टेंशन हो जाती होगी, है ना? टी शर्ट तो आदमी पहन ही नहीं सकता, कैसे पहने? वैसे टी शर्ट से मुझे याद आ गया, मान लो किसी के बाल उड़ जाए, सुंदर तुम पे मत लेना, तो हो जाए आदमी तो क्या कर सकता है, हो जाए। एक ऐसा ही आदमी जिसके सब उड़े हुए थे बिना कॉलर का टी शर्ट पहन के आया और सुबह बीवी से झगड़ा हो गया था, बीवी वैसे ही थोड़ी सी खफा थी, अब बार बार पूछे कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं, जिसके सब उड़े हुए बाल, दृश्य की कल्पना कीजिए, और बिना कॉलर का टी शर्ट, कैसा लग रहा हूं। बहुत देर तक तो वो बर्दाश्त किया उसने, बोले फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर आ जाए वैसे लग रहे हो। और भाई वेणुगोपाल भट्टर जी और सुंदर मालेगांवी जी ने कमाल कर दिया और हम बढ़ते हैं आगे, तो क्या किया जाए अब आगे? जी योजना जी, आप माइक हाथ में लेके क्यों बैठी हैं? शैलेश जी, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। जी। मैंने दो किताबें लिखी हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपको आज इस मौके पर वो किताबें भेंट कर सकूं। योजना जी क्या बात है, और मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई व्यक्ति किताबें लिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ बना मैं किताबों और मैगजीन्स यानी पत्रिकाओं से ही बना हूँ, और जब अब छपे हुए शब्द के लिए लोगों की रुचि कम होती जा रही है, ऐसे में अगर कोई किताब आती है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का सबब है। और मैं सिर्फ इसे रिक्वेस्ट मत कहिए,
ये खुशी बांटने का एक तरीका है। मैं आपसे ज़रूर खुशी बांटना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सारा देश इनकी किताबों को देखे भी और दुनिया भी आइए। क्या बात है, कागज पे फुदकती गिलहरियां और इमली का चटकारा, ये दो किताबें योजना जैन जी की हैं। और योजना जी, आपने सिर्फ किताबें मुझे ही नहीं भेंट की, सारा देश इन किताबों को देख रहा है, दुनिया इन किताबों को देख रही है। तो किताबें पढ़िए, जितनी किताबें पढ़ सकते हैं पढ़िए, किताबें हमारे जीवन में जीवन को अर्थ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहीं खड़ी रहिए, कहाँ जा रही हैं आप? आपने किताबें मुझे दे दी हैं। बर्लिन से आई योजना जैन, जो हिंदी में कविताएं लिखती है, हिंदी में कहानियां लिखती है, आज हमारे बीच में है। तो जरा जोरदार तालियां योजना जैन के लिए। एक प्यार का, थोड़ी सी तकरार का, खट्टा मीठा सा तराना सभी प्यार करने वालों के नजर करती हूँ। प्यार से सुनिएगा जी। कि तेरे मेरे बीच में, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती। तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती। तेरे हाथों में हाथ ना हो आँखों आँखों में बात ना हो, तो मुझे किसी बात की अच्छाइयाँ अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, मुझे किसी बात की अच्छाइयाँ अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयाँ अच्छी नहीं लगती। अब एक बड़ा ही प्यारा मुक्तक बन पड़ा है कि मौसम सुहाना था पर उनको जाना था, काम तो बस बहाना था, हमसे पीछा छुड़ाना था, कि दुनिया घूम कर आए थके मांदे सारे साए, कि दुनिया घूम कर आए थके मांदे सारे साए, सर्द से निकला उफाए, सर्द रातों को की तौबा मुँह से निकला उफाए, तेरे नाम की जम्हाइया अच्छी नहीं लगती, और तुझ बिन सर्दी में रजा नहीं लगती, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती। और आखिरी बंद जालिम दुनिया के नाम जी, कि दुनिया तो जालिम है ताने लाखों मारेगी, देवर भाजी नन दे ताकेंगी झाकेंगी, कर लो जितने भी जतन टोने टूट के हवन, कर लो जितने भी जतन टोने टूट के हवन, ये प्यार की पीड़ है हुल्लारे मारेगी, कह दो जाकर ये सबसे सासू से और ननद से, कह दो जाकर ये सबसे सासू से और ननद से, क्या कह दो, ध्यान से सुनिएगा शैलेश जी, किमिया को पीठ पीछे की पढ़ाइयां अच्छी नहीं लगती, और मुझको सासू की बुराइयां अच्छी नहीं क्या लगती, बात है? तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती, और मुझको सागर की गहराइयां
वाह वाह। अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, अच्छी नहीं बहुत लगती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू। छोटी हो या बड़ी लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती, एक लाइन मुझे समझ में नहीं, सासू की बुराइयां अच्छी नहीं लगती, ये पति की सासू की बात कर रही होंगी, खुद की सासू की बुराइयां तो सबको अच्छी लगती है, पति की सासू की बुराइयां अच्छी नहीं लगती। मेरी माँ को ऐसे कैसे कह दिया ना, तुमने कह दिया, और तुम कहती इनकी ढलती उम्र के बारे में, इनके लिए भी इसमें एक पंक्ति है कि जब से इनकी उम्र हुई है 65 के आसपास और डॉक्टर ने परहेज का कह दिया, तब से मिठाइयां अच्छी नहीं लगती, खाना तो रोज चाहते हैं लेकिन बेचारे करें क्या। लेकिन हम पढ़ते हैं आगे, और हमारा वो सेगमेंट जो बड़ा मशहूर है, बड़ा कमाल का है, जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। फिल्म का एक दृश्य हम दिखाएंगे और आवाज नहीं सुनाएंगे, और ये क्या कहेंगे, यही बताएंगे कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे ओहो जितेंद्र जी, वाह, ये बनफूल फिल्म है शायद, बनफूल, किसी को आता है ये रोमांस का दृश्य देख के, किसी को सोचता है जी? योजना जी क्या कह रही हैं? कभी गुर्बत कभी रहमत, बदलती फितरत ये जिंदगी, कभी गुर्बत कभी रहमत, बदलती फितरत ये जिंदगी, पर तेरे साथ जो बीता है, तेरे साथ जो बीता वो पल जन्नत सरीखा हो गया, कुछ मैं तुझसे हो गई और कुछ तू मुझसा हो गया। बिल्कुल सच्चाई कह दी आपने, बिल्कुल। शादी के 10-12 साल बाद ऐसा ही होता है जी, जी। कुछ मैं उसके जैसा हो गया, कुछ वो मेरी जैसी हो गई, और कैसे हुई, मेरी गालियां उसने सीख ली, उसकी गालियां मैंने सीख ली। तो भाई जिंदगी में बड़ा जरूरी है कि हम चीजों को सीरियस न बनाएं, आसानी से उसे कह दें लेकिन सच कहें। हम किसी भी हालत में हो सच बयानी नहीं छोड़ेंगे, वही लोग हैं जो किसी भी हालत में हो, किसी भी दुख में हो, किसी भी परेशानी में हो, सच बोलते हैं। कोई कलम सच बोलने का काम करती है। तब मुझे एक प्रसिद्ध कवि, उनकी चार पंक्तियां याद आती है, वो कहते हैं कि रंज इसका नहीं कि हम टूटे, रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे, तुझ पे मरते हैं जिंदगी अब भी, झूठ लिखे तो ये कलम टूटे। वाह भाई वाह, आइए।